What happened? Arey, why are you crying? We'll end it and go. Arey, why are you crying? What happened? जब इतनी मिले हैं दुआएं तेरे शहर में, हमन कैसे ना खो जाए तेरे शहर में। Hey guys, welcome to Rimorav Vlogs. मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ मोइना को, क्योंकि आज हम उस जगह पर हैं जिस जगह ने हमें, मतलब मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे गूज़बम्स आ गए, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। आई वॉन्ट से अ बिग 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 थैंक यू टू मोइना फॉर कॉलिंग स्पेशली। देखो वो अपनी बात बोले, एक सेकेंड रुके ना। आई वॉन्ट से बिग 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 थैंक यू टू मोइना, क्योंकि मैंने अपनी नज़रों से ये जो चीज़ें देखी हैं मैं लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहता था। सो थैंक यू मोइना, एंड यू आर सो लकी, एंड वी आर सो लकी टू हैव यू। बट मुझे पर्सनली आजकल ये फील हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा सीजन 3 आगे बढ़ रहा है, इसमें इंग्लिश ज्यादा होती जा रही है, तो मैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू थोड़ी इंग्लिश कम बोला करें। मैंने क्या बोला? लिसन, जिसको जैसे बात करना है बात करें, इट्स अ फ्री कंट्री। नहीं नहीं, इट्स अ फ्री कंट्री, बट मैं अपनी हिंदी ऑडियंस के लिए आवाज उठा रहा हूँ। उन्होंने तो उठाई नहीं अभी तक। ओके, मैं उठा रहा हूँ अपने लिए, पर्सनली मुझे लगता है सारे के सारे YouTube पे धीरे क्यों बोल रहे हैं, प्लीज बताएं। हाँ, मैं बता देता हूँ क्योंकि उन्होंने थैंक यू बोल दिया है, लेकिन क्यों बोल रहे हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आज हम आ चुके हैं मोहिना जी के सडनली गौरव को रिस्पेक्ट आ गई। बहुत अच्छा फील होता है ये सब लगा के, टीका लगा के, किस्मत वाले पहनते हैं। मेरे बिल्कुल ऐसा लगता है, यस आई एम वेरी प्राउड। ओ या, थैंक यू गाइस। आई थिंक आई मीन आई कुड हैव डन दिस बहुत पहले, बट आई गेस बिकॉज ऑफ यू गाइस आज पहली बार मैंने भी साफा पहना है, बिकॉज ऑफ फैमिली। एंड बिकॉज ऑफ फैमिली एंड आज हम जहाँ खड़े हैं, माई पीपल हियर, आज हम जहाँ खड़े हैं वो जगह है मोहिना जी का एक किला है रीवा में, एंड उस किले में इनका एक पर्सनल म्यूजियम है, यानी कि इनके पूर्वजों का जो भी सब कुछ है, इंटरेस्टिंग चीजें, एंड वेरी 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 गुड लुकिंग। Why not she tell? And I was very excited to see Rishi and Gaurav excited. हम लोग shocked थे यार actually, क्योंकि इतना सब कुछ हम फिल्मों में ही देखते आए हैं, and personally मैं first time किसी म्यूजियम में विजिट गया हूँ, और वो भी पता लगा कि ये अपना पर्सनल है, मोहिना जी की इनके परिवार से वो बिलोंग करता है। So thank you, पहले प्लीज बताइए। बेसिकली ये दोनों डर चुके हैं क्योंकि कुल मिला के अब इनको पता है कि इतने हथियार है मेरे पास इनके अगेंस्ट। अब एक ही हथियार इनका काफी है, जो की जुबान। अब पता लगा डराती क्यों रहती थी। हाँ, इनके पास बैकअप काफी स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस, आज जो हम करने जा रहे हैं उस चैलेंज का नाम है काउंटिंग चैलेंज, यानी कि हमें क्या करना है मोइना जी बताएं। ओके गाइस, सो हम किले के एक सेक्शन में आ गए हैं जो है म्यूजियम, एंड म्यूजियम के भी एक सेक्शन में आए हुए हैं, एक पार्ट में आए हुए हैं। और जो ये सेक्शन है इट्स दी आर्मरी सेक्शन। किस, कौन सा सेक्शन बोलो? आर्मरी। यानी बंदूकें और तलवार। ओके, मजाक कर रहे हैं, वी आर नॉट काउंटिंग भाला, वी आर ओनली काउंटिंग द गन्स and we are counting the swords. Yes. So आपके पास एक मिनट है, आपको जितनी guns और swords count कर सकते हैं एक मिनट में आप कर लेंगे, और जो main count है वो बताया जाएगा end में। और जिसका तो जो काउंट करेगा सही से उसको पता है ना, उसने खुद गलत किया तो। अच्छा, नहीं, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी को हम लाएंगे, शिव कुमार जी या विक्रम जी आएंगे, जो भी आप लोग डिसाइड कर लीजिए। गाइस, शूटिंग चैलेंज तो मैं जीती थी, पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। इधर तो आओ। हेलो, किधर, उधर क्या कर रही हो? ये दूसरे चैनल पे जा रही थी। मैं फैमिली को बता देना चाहता हूँ कि शूटिंग चैलेंज में इनके पास एक अपर हैंड था, क्योंकि ये प्रैक्टिस करती आई थी, बट इस चैलेंज में इनके पास भी कोई अपर हैंड नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज है, और जिसके यहाँ पे होती है ना वो खुद कभी कोशिश भी नहीं। मैंने कभी काउंट नहीं किया अपने ही है। इट्स अ इक्वल एंड न्यूट्रल चैलेंज।
guys, so we are finally ready with our results. Okay. Yes. Okay. जो हमने हाँ. I think 130 swords. Okay. And 40 guns. That's 40 guns. Side. That's it. That's it. मोइना आपको क्या लगता? Okay, so whatever I counted, approximately 150 swords, and oh my God, she knows the result. And about 32 guns. Okay, मैंने देखो winner is clear. It's me. Yeah, okay, we'll one, see. हाँ, बोलो. 195 swords. हंस कर रहा है. मुझे लगा beyond तो. Don't make laugh on that ना. Okay, नहीं, but मुझे लगा इतनी मुझे दिखी नहीं. अच्छा. यार इसमें laugh की क्या बात है? It's not a joke. I'm not joking. बाबा मैंने पसंद नहीं केडी गलत गुस्सा कर जिता करे. इतनी दिखी नहीं. Personally मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा नहीं दिखी तुझे. Swords. अरे तो इतनी. यार पागल है कितनी swords. 195. It's too much. Just look at this. Let's see the results ना. I know. Let's see the results. Okay. तो serious क्यों जा रहे हो? क्या हो रहा है? हाँ. Okay. And guns were only 75. Okay. Guns में मैं खराब हो सकता हूँ, लेकिन you guns were only 75 as in you thought they are only 75 or you counted? क्या लगा रखा है मैंने? और you counted? और क्या लगा रखा है? मैं बोल रहा हूँ मतलब. तूने count किया? मैंने count करके thought लिया ना. बिना count के thought कैसे ले सकता हूँ? क्योंकि एक minute में it's not possible to count each and everything, so you have to. But the challenge is counting challenge. हाँ, तो एक minute में जितना count कर पाए या that's the answer तो. तो guys जो मैंने count किया है 75 guns and 195 swords. ठीक है. हाँ. तो swords का results पहले जान लेते हैं. Swords का result. Please swords का result बताइए. Swords का result. 151. तो कौन पास? Moina is accurate. She said 150. और तुम क्या बोल रहे थे exactly Gaurav? Exact 140. I'm very close. And he is 195. इसीलिए तो बोल रहा था मैं 195 तो नहीं है. 57. I think. He is the closest. और he only said. I said 40. And she said 32. ये तो बहुत पीछे और आप बहुत आगे. इतना भी पीछे नहीं हूँ मैं, मतलब सिर्फ पीछे हूँ. मैं तो सिर्फ मतलब 8 काउंट पीछे हूँ. ये तो कितना आगे? ये तो 75 पे. See, you've given like ये चलो ठीक है इतनी सारी हैं. So कुल मिलाके कुल मिलाके पाजी ने काफी कोशिश किया है अपार सफलता. पाजी होनी ज्यादा, देखो ज्यादा होंगी 100% होंगी एक अगर अच्छे से काउंट किया जाए. इन्होंने गलत किया. नहीं नहीं, हमारे पास रिजल्ट जो है एक्यूरेट. रिजल्ट की क्या बात है? 5 मिनट पहले तुमने उनको बोला चलता है. 1 मिनट में आपका दिमाग बहुत कम चलता है. एम लाइट में 1 मिनट में आपका दिमाग. अच्छा, मेरे को एम लाइट में चल ही नहीं रहा. सो गाइस ये चैलेंज था, काउंटिंग चैलेंज, इसमें मोहिना जीत गई है. स्वॉर्ड्स आपको ये अभी लास्ट में क्या हुआ मुझे तो समझ ही नहीं आया. रिजल्ट What is just happening right now? What I can only hear like people are talking. Guys, it's the result. Let's do the ending, guys. Why are you spoiling it all? मैं क्लियर तभी पूछा था कि जहां कर सकते वहीं बताओ वरना रहने दो. लेट्स डू द एंडिंग. वी हैव द कंप्लीट आई नो अभी क्यों उसमें खराब कर रहे हो. वी हैव द कंप्लीट चैलेंज रेडी. सी वैसे भी सबको गर्मी है. हां चलो यार, है ना 5 मिनट का क्या करना आपकी क्या आपको क्या एंडिंग क्या समझ नहीं आ रहा बताओ. मैं समझाता हूं बताओ. आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड आई एम कंप्लीटली ब्लैंक. बट व्हाई? Because I don't know. You are the winner of swords. I think you're okay. Fine. Okay, I'll tell you exactly what's happening. मुझे I don't know why, but मुझे comfortable नहीं लग रहा है. I feel कि हमें I feel कि हमें बाहर कर लेना चाहिए या कुछ और कर लेना चाहिए. I don't have time. I need to give camera back. You need to understand that, na. But what's the problem? What happened? I don't know. I'm suddenly feeling extremely. Sorry, अगर हमने कुछ भाई हमने मेरे हिसाब से तो नहीं कहा कुछ. Extremely weird and extremely negative. So let's end it right now. We are just at the end. But she said she don't want. अगर मैंने end करी तो कल को बोलेगी ना डालो. तो नहीं डालेंगे. End तो करके रखो यार. I'm sorry. I'm really sorry. It's okay. I'm just feeling very very. Just end it. We'll go and. Very very weird. हाँ, we'll end it and go. What happened? अरे भाई you crying? We'll end it and go. अरे भाई crying. What happened? हम भी तो ये पूछ रहे हैं व्हाई क्राइंग बाबा. अरे नहीं डालेंगे. एक मिनट दे दो प्लीज एक मिनट. नहीं डालेंगे वो. नहीं डालेंगे बाबा. नहीं डालेंगे. हमने नहीं जमा. नहीं डालेंगे. कोई बात नहीं. डिसरिस्पेक्ट का कर. अरे चुप कर आया तो मैं कल चुप कर आया हूं. पता नहीं पर पता चले रो क्यों रही. अरे यार शायद कोई बात बुरी लगी हो. पता नहीं मैंने तो बोली भी नहीं. इतना संभल संभल के बोले हैं वही ना. I didn't want to do this, dude. I wanted to do something else, yeah. पता नहीं हम क्या कर रहे हैं. मैं बोल रही थी मेरा मन नहीं कर रहा है इस चीज को करने का. इसीलिए मैंने तेरे ऊपर प्रैंक कर दिया है. मुझे तो मजा आ रहा है.
अब आई एम फीलिंग वेरी वियर्ड भाई, ये कब डिसाइड हो गया अलग कोने में जाके? मैं सोच रहा हूँ यार सब कुछ होगा, इतना सब कुछ हो गया है, कल जयपुर निकलना है शूट करना है, लेकिन यहाँ पे हम अटके हुए हैं, ये होगा, मेरे दिमाग में शॉर्ट चल रहा है, अब क्या होगा, दिमाग में और क्या डालेंगे हम लोग, कौन कौन सब लोग मिले हुए थे सब लोग को मालूम पता है, मैं ये बॉम्बे से ट्रेन से डिस्कस करके आई हूँ, वो मेरा अर्पण के बाद ऐसे ही हुआ। एक पॉइंट पे वन सेकंड डिसाइड हमारा ये हुआ था कि मैं और ऋषि तुझ पे लाइक यू नो हावी पड़ जाएंगे, बट ये तो तेरे साइड हो गया और फिर पूरा मेरे ऊपर आ गया और ये मेरे को पीछे से ऐसे कर रहा है, ये मेरे को पीछे से ऐसे कर रहा है, ही डूइंग लाइक दिस। मोहिना अगर ये प्रैंक था तो ये मोहिना का ही प्रैंक था, ये आप इसमें आप मेरे साइड ही, ये कुछ नहीं और ये चले टू 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 इट। इसने कहा कि मैं एक मौका, मैंने बोला एक मौका दूंगा, जहां उसने गलती की ये कर ही नहीं रहा, गलती ना ये गलती कर रहा है और तू गलती कर रहा है, अगर मैं इसकी गलती पकड़ भी रही हूं तो तू इसका साथ देने लग रहा है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है वियर्ड क्या मतलब इसको क्या लग गया, किस बात को, मैं दीक्षा से पूछ रहा हूं कैमरे में भी है बोला मोहिना। I didn't want to do this. So guys, ये था हमारा रीवा का चैलेंज, हमने प्लस और ये था हमारे रीवा के दो दिन यानी कि सैटरडे संडे एंड ऑफ कोर्स हमारा जो तीसरा वाला वेंसडे को, हमने आपके लिए स्पेशल एक वर्टिकल वीडियो निकाली है क्योंकि आप लोग चाहते थे कि तीन दिन आए, है ना पाजी, एंड प्लस वो व्लॉग्स रिमोरव व्लॉग्स के जो नाम को जस्टिस करेगा, और अब आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब मैं इन दोनों को ले जाने वाला हूँ अपने शहर यानी कि जयपुर राजस्थान में, और वहाँ होगी आपकी खातिरदारी, आपको दिखाऊंगा कि जयपुर में क्या खास है और बहुत मजा आने वाला है, जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड कम विद मी एंड कीप क्वाइट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो को, प्लीज कम से कम सबसे ज्यादा लाइक्स दीजिए, कम से कम सबसे ज्यादा लाइक्स दीजिए क्योंकि हम आपके लिए डेढ़ सीरियल गाइस हम लोग बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, ठीक है आप सब्सक्राइबिंग करिए। और गाइस कुल मिला के बात यह है, थैंक यू फॉर वॉचिंग रिमोरव व्लॉग्स, ये था हमारा रीवा का टूर, अब फाइनली हम जाने वाले हैं जयपुर, सो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जाने से पहले जयपुर के पहले हम थोड़ा ब्रेक लेंगे क्योंकि हमें जरूरत है, हम बीच में ठोटो ठोटो करने लगे। जब इतनी मिले हैं दुआएं तेरे शहर में, हमन कैसे ना खो जाए तेरे शहर में। So guys, अगर आपको ऐसी ही हमारी आगे वाली सीजन 3 की वीडियोस देखनी है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको सब्सक्राइब करना है हमारे फनी चैनल को तो यहाँ, और अगर आपको हमारे ऐसे ही चैलेंजेस देखते रहने हैं तो बस देखते रहिए, दैट्स इट, अरे ओह माय गॉड, ओके बाय।